देखो ये एडवांस 2015 का है। भले क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं एपी का, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6/11 एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140 द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। देखो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और यहाँ क्या कह दिया है, आपके सारे टर्म्स एपी में नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू 6/11, ठीक है। अब इसे करते हैं तो n बाय टू, ठीक है, इंटू 2a प्लस 6d, ठीक है, अपॉन n बाय टू इंटू 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 6/11, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये 11 से ये 11 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो लिखो 14a प्लस 42d, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, इसे 6 से करो 12a प्लस 60d विच इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 18d, 60 माइनस 42 होगा तो 18 आएगा, तो a इज इक्वल टू 9d, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 9d हमें आ गया। अब अगला कंडीशन यूज करते हैं, कहता है 7th टर्म जो है वो लाई कर रहा है 140 और 130 के बीच, 130 और 140 के बीच में, ये कह रहा है 7th टर्म, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 130 लेस देन a प्लस n माइनस 1 मतलब 6 इंटू d लेस देन 140, ठीक है। अब आप देखो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो a को d के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 130 लेस देन 9/6 d लेस देन 140, ठीक है। 15 को इधर कर दिया तो 130 बटा 15 लेस देन डी लेस देन 140 बटा 15, इसको काटो तो 5 3 15 और 28 5 140, ठीक है, 5 3 15 26, ठीक है। तो 26/3 से डी जो है आपका वो 28/3 होगा, ठीक है। तो आप देखो 26 और 28 के बीच में कौन लाई करता है, 27, तो डी जो होगा वो आपका 27/3 होगा विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत आसानी से गिवन जो कंडीशन था उसको यूज करने आना चाहिए।